A very good morning to all of you students. So today we are going to discuss chapter 2. The chapter name is What is Democracy and Why Democracy. सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि डेमोक्रेसी है क्या और डेमोक्रेसी क्यों चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. द स्टोरीज एंड द एनालिस इन द प्रीवियस चैप्टर गेव अस द सेंस ऑफ द व्हाट इज डेमोक्रेसी इज लाइक. दे वर डिस्क्राइब्ड सम गवर्नमेंट एज अ डेमोक्रेटिक एंड सम एज अ नॉन डेमोक्रेटिक. We saw how government in the sum of those countries changed from one form to the other. So basically, देखें यहाँ पे इस overview में जो बताया है chapter में वो क्या बताया गया. जैसे कि हमने जो पहला chapter पढ़ा था तो हमने देखा था कि democracy की importance क्या है, मतलब democracy होना क्यों इतना ज़्यादा important है. इसके साथ साथ democracy जो है वो क्यों relate करती है हर किसी से, मतलब कितनी ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़, और उसके ना होने से क्या क्या तरह के नुकसान हमें हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमने वहाँ पे देखी. इसके साथ साथ इस चैप्टर का जो ओवरव्यू बताया गया है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि डेमोक्रेसी क्या है, वो इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, उसके जो भी पॉइंट्स हैं वो क्या हैं वो हमें जानने हैं. इसके साथ साथ कि डेमोक्रेसी क्यों, मतलब लोकतांत्रिकता की हमें क्यों ज़रूरत क्यों है और क्या है ये चीज़, इसके बारे में हम जो है इस डिटेल में इस चैप्टर में हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. इन चैप्टर वन वी रीड मैनी स्टोरीज फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. थ्रू दिस स्टोरीज वी डिस्कस द वेरियस गवर्नमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन वी कॉल सम ऑफ दिस डेमोक्रेसीज. अदर वर डिस्क्राइब्ड एज अ नॉन डेमोक्रेसीज. कैन यू रिकॉल फॉर ईच ऑफ दिस कंट्रीज समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट दैट वर डिस्क्राइब्ड एज द डेमोक्रेसी. अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि जो हमने चैप्टर वन देखा था उसमें डेमोक्रेसी के बारे में जो स्टोरीज हमने देखी थी वो कई पार्ट्स के बारे में हमें बताई गई थी, डिस्कस किया गया था गवर्नमेंट के बारे में कितने ग्लोरियस वे में किया है और भी सारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो चीज़ें थी. वी कॉल्ड सम ऑफ दिस डेमोक्रेसीज, अदर वर डिस्क्राइब्ड एज अ नॉन डेमोक्रेसीज. और कुछ चीज़ें जो हैं वो डेमोक्रेसी के बारे में बताई गई थी और कुछ जो है नॉन डेमोक्रेसी के बारे में हमें बताई गई थी. Can you recall for each of these countries something about the government and that were described as a democracy? तो यहाँ पर हमें बताना है कि जैसे कि government है उससे related और democracy क्या है, किस तरह से उसे describe की गई है. Now we see the Chile before and the after Pinochet rule, Poland after the fall of communist rule and the Ghana in the early period of the Nkrumah's government. What do you think is common to them? Why do we club them all under the label of a democracy? What is that? Distinguish these governments from the Pinochet's rule in the Chile, communist rule in the Poland, or the later period of a Nkrumah's rule in the Ghana. What do this government have in the common with the military rule in the Myanmar? Why do we say that these governments are not democratic on the basis of this analysis? Write down some common feature of the democratic government and non-democratic government. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है डेमोक्रेटी क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसके लिए यहाँ पे तीन जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे की स्टोरी बताई गई है. जैसे चिली के बारे में बताया गया है कि जो पिनोशेट रूल आया था उसके पहले कैसी थी. फिर पोलैंड में बताया गया है कि जो कम्युनिस्ट रूल है वो फॉलो हुआ उसके बाद कैसी थी. घाना का जो अर्ली पीरियड था उसमें जो निक्रुमा गवर्नमेंट चल रही थी वो कैसी थी. इसके साथ साथ किस तरह से मिलिट्री रूल वहाँ पे चल रहा था, उस कंट्री में किस तरह का माहौल था सरकार को लेके, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करने के लिए कहा है. इसके साथ साथ ये भी कहा है कि और भी जो है आप अपने कॉमन एनालिसिस बेसिस पे बताइए कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके अपने अपने फीचर्स क्या क्या हैं और कौन कौन से हैं. व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी. Before we proceed further, let us first take a note of an objection by the Mary. She does not like this way of defining democracy and want to ask some basic questions. Her teacher, Matilda Langdo, responds to her question as their classmates join the discussion. अब देखिए यहाँ पे जो है एक discussion चल रहा है, वो उस discussion के basis पे कुछ questions जो हैं वो पूछे गए हैं, कुछ arise हुए हैं. तो जो questions raise किए गए हैं उस questions के answer को कैसे discuss किया गया वो यहाँ पे हम देखेंगे. So let's start the story. Mary, the ma'am, I don't like this idea. First we spend one whole chapter discussing the democracies in the different part of the world and then we want to find out the meaning of the democracy. I mean, logically shouldn't we have the approach in the other way around?
शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल. अब मैरी के कहना चाह रही कि मैम मुझे ये जो आइडिया है ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि पहले हमने पूरा समय जो है इसमें वेस्ट कर दिया कि वो चैप्टर जो है डिस्कस करने में कि डेमोक्रेसी है क्या और कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड यानी दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो किस तरह से हैं. आई मीन लॉजिकली जो उसका कहना है कि उसका अप्रोच कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए कि पहले हम मीनिंग को समझें और उसके बाद हम एग्ज़ाम्पल देखें. अब जो मैम है उन्होंने क्या बताया, चलिए देखते हैं. आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरी डे लाइफ. देखो उनका कहना है कि हम मैं तुम्हारे पॉइंट्स को समझ तो रही हूँ लेकिन ये इस तरह से एवरी डे लाइफ में ये क्या रीज़न है वो हम नहीं बता सकते. वी यूज़ वर्ड्स लाइक पेन, रेन, लव. डू वी वेट हैव अ डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स बिफोर वी यूज़ दैम. अब उन्होंने कहा कि जैसे हम डेली लाइफ में पेन, रबर और बाकी चीज़ें यूज़ करें तो क्या यूज़ करने के पहले हम उसका डेफिनेशन देख रहे हैं? नहीं. सो डू वी क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स? इट इज़ ओनली बाय यूजिंग वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. इसमें ये बताया गया कि ये सिर्फ इतना ही है कि जो हम वर्ड अंडरस्टैंड करें, जो हम जान रहे हैं उसकी मीनिंग हमें पता हो. तो इस तरह से ये उन्होंने डिस्क्राइब किया है. मैरी, बट देन वाई डू वी नीड अ डेफिनेशन एट ऑल? तो उन्होंने कहा कि यानी मैरी ने क्वेश्चन किया कि तो फिर हमें डेफिनेशन की ज़रूरत क्या है. लिंगडो मैडम, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस द डिफ़िकल्टी इन यूज़ ऑफ अ वर्ड. अब उन्होंने कहा कि ये जो डेफिनेशन है वो हमें तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं. वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से अ ड्रिजल और अ क्लाउड बस्ट. अब उन्होंने कहा कि जो रेन है उसकी डेफिनेशन की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, जब हमें उसे डिस्क्राइब करना हो. वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर अ डिफरेंट पर्पजेज. और हमें क्लियर डेफिनेशन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि लोग जो है इसे डिफरेंट पर्पज से यूज़ कर रहे हैं. बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्व्स अ डेमोक्रेसी. क्योंकि और भी जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं उसे अलग अलग जगह से उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कह रहे हैं. रैबिया, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन? द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस द डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. वी इन द मेघालय ऑलवेज रूल आवर सेल्फ एंड दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरी वन. वाई डू वी नीड टू चेंज दैट? अब उन्होंने बताया है कि देखो जो रायबांग है उनका कहना है कि जो डेमोक्रेसी है उसको उन्होंने जो अब्राहम लिंकन है उन्होंने कोट किया है कि डेमोक्रेसी जो है ये पीपल्स के लिए है और ये पीपल के लिए है. इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं सबके साथ जो है एक्सेप्टेड होनी चाहिए. तो इसे चेंज करने की ज़रूरत क्या है? नाउ वी सी द लिंडो मैडम. आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट. आई डू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटिफुल. उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं चाहती कि इसे चेंज किया जाए. मैं भी इस डेफिनेशन को जो है क्या मानती हूँ, सही मानती हूँ. बट वी डोंट नो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ अ डेफिनेशन अनलेस वी थिंक अबाउट इट ourselves. बट ये जो है बेस्ट वे है डेफिनेशन को समझने का जब तक कि हम उसे समझ ना लें सही से. वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस. हमें जो है उसे समझ एक्सेप्ट कर लेना है सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो फेमस है. क्योंकि ये सब ने एक्सेप्ट किया है इसलिए हमें उसे एक्सेप्ट करना है. नाउ यू लर्न. मैम, कैन आई सजेस्ट समथिंग? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन. आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिका. इन अ ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड द क्रतिया मीन्स रूल. डू वी देयर डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय पीपल. दिस इज द करेक्ट मीनिंग. वेयर इज़ द नीड टू डिबेट? अब देखो योलाइन क्या कह रही है. मैम, मैं कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जो है ये सर्च किया है कि जो वर्ड है डेमोक्रेटिया ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है एज अ डेमोक विच मीन्स अ डिमोस मीन्स अ पीपल एंड द क्रितिया मीन्स अ रूल. मतलब ये डिमोस का मतलब जो है वो लोग हैं और क्रितिया का मतलब रूल है. तो ये डेमोक्रेसी जो है ये पीपल के लिए है. तो ये इसका करेक्ट मीनिंग होगा. क्यों ना हम इस पर क्या इस पर कोई डिबेट करने की ज़रूरत है? तो लिंगडो मैडम ने कहा, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल ऑफ अ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर. आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क. अ वर्ड डज नॉट रिमेन
tied to its origin. Just think of the computers. Originally, they were used for a computing, and that is to say a calculating. Very difficult mathematically sums, and this were very powerful calculator. But nowadays, very few people use computer for a computing sums. They use it for a writing, for a designing, for listening to a music, watching films. Words remain the same, but their meaning can change with the time. In that case, it is not very useful to look at the origin of a word. अब देखो लिंगनो मैडम जो है इस पर क्या आंसर करी है कि देखो जो वर्ड है उसका जो ओरिजिन हुआ है, जो मीनिंग है, सिर्फ हम उससे बंधे हुए जो है हम नहीं रह सकते. क्योंकि अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो जब कंप्यूटर शुरू में निकला था तो ये इसका क्या पर्पज़ था? सिर्फ और सिर्फ क्या जो है इसका पर्पज जो था वो था कंप्यूटिंग के लिए. ओरिजिनली ये जो कंप्यूटिंग थी ये किस लिए यूज़ की जा रही थी? कैलकुलेटिंग के लिए, और भी बहुत सारे मैथमेटिकल जो सम्स थे उसे डिफ़िकल्ट सम्स को सॉल्व करने के लिए. तो वो क्या थे? बहुत ही पावरफुल कैलकुलेटर थे. लेकिन आज के टाइम पर अगर बात करो तो तुम कंप्यूटर क्या है? बहुत ही रेयरली कैलकुलेटिंग टर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है. बस कि इसकी जगह दूसरे कामों के लिए जो है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. तो ये कह पा ये जो है कि वर्ड का मीनिंग जो है ओरिजिन से सेम रहे, ये थोड़ा कह पाना मुश्किल है. क्योंकि मीनिंग जो है वो चेंज होगा विद द टाइम, मतलब टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, इसके मीनिंग्स जो है वो बदलते जाएंगे. और इस केस में जो है ये काफ़ी यूज़फुल है फॉर द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड. मैरी मैम, सो बेसिकली what you are saying is that there is a no shortcut to our thinking about the matter ourselves. We have to think about its meaning and evolve a definition. अब यहाँ पर बताया गया है मैम, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रही है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी मैटर से. हमें जो है जो हमने पढ़ा है या जो डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं उसी से हमें सारी चीज़ें जाननी और समझनी है. तो लिंगडो मैडम ने कहा यू गॉट मी राइट, लेट इस गेट ऑन विद इट नाउ. और उन्होंने कहा कि ये जो तुम कह रही हो, तुमने मेरा पॉइंट समझ लिया, अब चलो उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं. अ सिंपल डेफिनेशन, लेट इस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस अमंग द गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड अ डेमोक्रेसीज. इन द प्रीवियस चैप्टर वी आइडेंटिफाइड वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल द डेमोक्रेसीज. द गवर्नमेंट इज चूजन बाय अ पीपल. We could thus start with the simplest simple definition. Democracy is a form of a government in which the ruler are elected by the people. अब यहाँ पे देखिए सिंपल डेफिनेशन जो बताया गया है कि डेमोक्रेसी जो है एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जहाँ पे रूलर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल. This is useful starting point. This definition allows us to separate a democracy from the forms of a government that are clearly not democratic. The army ruler of a Myanmar are not elected by the people. Those who happen to be in control of a army become the rulers of the country. People have no say in this decision. Dictators like a Pinchot are not elected by the people. This also applies the monarchies. The king of the Nepal and the Saudi Arabia rule not because of the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into a royal family. अब यहाँ पर बताया गया है कि देखो कुछ rulers थे country के जो कि elect नहीं किए हैं peoples के द्वारा, बल्कि वो इसलिए वो ruler बन गए क्योंकि उनकी family जो है वो royal family थी और वो royal family में पैदा हुए थे. The simplest definition is not adequate. It reminds us what the democracy's people rule. But if we use the definition of an unthinking manner, we would end up calling the almost every government that holds an election a democracy. That would be very misleading. As we shall find out the chapter 4, every government in the contemporary world wants to be called a democracy, even if it's not. That is why we need a careful distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one. We can do so by the understanding of each word in this definition carefully and spelling out the feature of a democratic government. अब यहाँ पे बताया गया है जो डेमोक्रेसी है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है हम चैप्टर 4 में देखेंगे. और चैप्टर 4 में जो है गवर्नमेंट की जितने भी कंटेम्प्रेरी वर्ड है, जिस तरह से वहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है और भी सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे. बेसिकली ये जो पैराग्राफ है ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी से घिरा हुआ है. मतलब डेमोक्रेसी क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसके हर एक पॉइंट को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, उसकी डेफिनेशन को केयरफुली स्पेल करना बहुत ज़रूरी है, उसके फीचर्स क्या हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, ये सारे पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस किया गया है. अब हम देखेंगे फीचर ऑफ द डेमोक्रेसीज.
We have started with the simple definition that a democracy is a form of government in which the ruler are elected by the people. This rules are many questions. Who are the rulers in the definition? Which officials must be elected for the government to be called a democracy? Which decisions may be taken by a non-elected officials in a democracy? What kind of election constitutes a democratic election? What condition must be fulfilled for an election to be considered democratic? Who are the people who can elect the ruler to get elected by as the ruler? Should this include every citizen on the equal basis? Can the democracies deny some citizens this right? Finally, what kind of form of a government is democracy? Can elected the ruler do whatever they want in a democracy, or must a democratic government function with some limits? It is necessary for a democracy to respect some right to the of the citizens. Let us consider each of these questions with the help of some example. अब देखिए यहाँ पे बताया गया फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें फोर पॉइंट्स डिस्कस किए गए, जैसे कि कौन है रूलर, क्या है उसकी डेफिनेशंस, ऑफिशियल्स क्या है, कैसे वो इलेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट में, डिसीजन किस तरह के लेगा, नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो हैं वो डेमोक्रेसी चला रहे हैं या नहीं, ये किस तरह का इलेक्शन जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए, क्या कंडीशन फुलफ़िल करनी ज़रूरी है एज अ डेमोक्रेटिक, क्या पीपल्स जो हैं वो इलेक्ट कर रहे हैं रूलर्स को या नहीं, और किस तरह से सिटीजन का इक्वल होना ज़रूरी है उस बेसिस पे, किस सारी चीज़ों को डेमोक्रेसी डिनाई कर रही है, फाइनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी है या नहीं. तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रेज हो रहे हैं. नाउ वी सी द मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स. इन पाकिस्तान द जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कोप इन द अक्टूबर 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself as the chief executive of the country. Later, he changed his designation to the president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Pakistani media, human rights organization and the democracy activist said that the referendum was based on the malpractice and the fraud. अब देखिए यहाँ पे बताया गया जो पाकिस्तानी जनरल थे जिनका नाम परवेज़ मुशर्रफ था, उन्होंने मिलिट्री कोप जो है 99 में लीड किया था और उन्होंने डेमोक्रेटिकली जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया था बेसिकली, एंड डिक्लेयर उन्होंने खुद को जो है चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उस कंट्री का डिक्लेयर कर दिया था. लेटर ये डेजिग्नेशन जो है वो चेंज हो गया था और वो प्रेसिडेंट बन गए 2002 में, और उन्होंने जो है 5-year का एक्सटेंशन भी ग्रांट किया. इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया जो थी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो था या डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स जो थे, उन्होंने इस स्पेस पे कई सारी चीज़ें जो है माल प्रैक्टिसेस की या फ्रॉड किया. इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पाकिस्तान. अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड द प्रोविजनल असेंबली इज द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट ऑफ द सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स. आफ्टर पासिंग द लॉ द इलेक्शन वर हेल्ड इन द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबली. सो द पाकिस्तान हैज़ हैड अ इलेक्शन. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड द जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ. अब देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो इशूट किया, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट था कि अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है. वर्क जो है सिविलियंस का, वो सिविलियन कैबिनेट का वो सुपरवाइज करेगा. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो मिलिट्री के द्वारा डोमिनेट की जाएगी. और ये सारी चीज़ें जब पास हो गई, तो पास होने के बाद ये जो पाकिस्तान है उसने इलेक्शन का लड़ा, मतलब इलेक्शन इलेक्ट किया. इसके साथ साथ इसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो इलेक्ट हुए थे उनके पास भी पावर थी. इसके साथ साथ मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे, बाकी की जो भी पावर थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास थी. Clearly, there are many reasons with why Pakistan under the General Musharraf should not be called a democracy. But let us focus on this. Can you say that the ruler are elected by the people in the Pakistan? Not quite. People may have elected their representative to the national and the provincial assembly, but those elected representative were not really the ruler. They cannot take the final decision. The power to take a final rested with the army officials and with the general Musharraf, and none of them were elected by the people. This happens to a many dictatorship and the monarchies. They formally have a elected parliament and the government, but the
real power is those with are who are not elected in the previous chapter. We read about the role of USSR in the communist Poland and the, of the US in the contemporary Iraq. Here are the real power of the some external power and not with the locally elected representative. This cannot be called the people's rule. This gives us the first feature in the democracy. The final decision making power must rest with those elected by the people. अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो भी ये जिस भी तरह का रूल उन्होंने लाया उसके बाद जो भी रीजन थे या जिस भी तरह से जनरल मुशर्रफ जो थे उन्होंने डेमोक्रेसी को लाया उसको माना नहीं बेसिकली जो चीज़ उन्होंने की उसे हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे. उसके साथ साथ जो पीपल्स पाकिस्तान में इलेक्ट किए गए थे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो थे पर कहीं ना कहीं जो है लोगों ने उन्हें माना नहीं था क्योंकि वो जो है अपने मन के हिसाब से यानी अपनी हिसाब से जो है जिस तरह की पावर वो यूज़ करना चाहते थे वो उस तरह से ही उसे क्या कर रहे थे यूज़ कर रहे थे. और ये एक तरह का क्या था डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह राज जो है इस तरह का चल रहा था यानी जैसी कानून जो जिस तरह की चीज़ें उन्हें जैसी करनी थी वो उस हिसाब से चल रही थी एक प्रॉपर मैनर में नहीं थी. अब हम देखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रिकल कंपटीशन. नाउ वी सी In China, the elections are regularly held after every 5 years of the electing the country's parliament called the Quantago Renamed Beato Rahul, which is the National People Congress. अब जब चाइना की बात की जा रही है तो चाइना में हर 5 साल में जो है वो इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का जिसे हम कहते हैं Quantago Renamed Beato Rahul, which is the National People's Congress. And the National People Congress has the power to appoint a president of the country. और ये जो National People Congress होता है इन्हें power होता है country के president को appoint करने का. It has a nearly a 3,000 members elected from all over the China. और इसमें जो है 3,000 members होते हैं जो कि लगभग लगभग पूरे चाइना से elect किए जाते हैं. Some members are elected by the army. कुछ members जो हैं वो army से elect किए होते हैं. Before contesting the election, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. और किसी भी तरह का जो election है वो उसमें participate करने के पहले candidate को जो है वो approval लेना होता है Chinese Communist Party से. Only those who are the member of the Chinese Communist Party are 8 smaller parties allied to it were allowed to the contest election held in 2002 and 2003. The government is always formed by the Communist Party. और जो government है वो Communist Party के द्वारा ही form की जाती है. Since it is independence in the 1930, Mexico holds the election after every 6 years to elect its president. And the country has never been under a military or dictator's rule. But until the 2000, every election was won by a party called the PRI, which is an institutional revolutionary party. The opposition party did not contest the elections but never managed to win. The PRI was known as the many dirty trick to win elections. All those who were employed in the government offices had to attend its party meeting. Teacher of the government school used to force parents to vote for the PRI. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो देखिए जो इंडिपेंडेंस मिला था 1930 में मैक्सिको को उसके बाद जो इलेक्शन किया गया था इलेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट को इस टाइम पे जो कंट्री है वो मिलिट्री डिक्टेटर के रूल के अंडर थी और इसके अकॉर्डिंग क्या था जो भी पार्टी कॉल्ड प्री विच इज़ अ इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी ये एक अपोजिशन पार्टी थी जो कंटेस्ट कर रही थी किसके लिए इलेक्शन के लिए और इन्होंने कभी ये जीत नहीं पाया क्योंकि जो प्री थी वो बहुत ही डर्टी ट्रिक्स जो थी इलेक्शंस के लिए यूज़ करती थी जैसे कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स हैं उन्हें पार्टी मीटिंग को अटेंड ही करना है टीचर्स जो थी गवर्नमेंट स्कूल की उन्हें पेरेंट्स को फोर्स करना है कि वो प्री को ही वोट करें. मीडिया जो थी वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी एक्टिविटी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की एक्सेप्ट उसकी जो क्रिटिसिज्म थी वो दिखा रही थी. समटाइम्स द पोलिंग बूथ जो है वो शिफ्ट किया कर दिए जा रहे थे एक प्लेस से ऐसे प्लेस में लास्ट मिनट में विच टू ताकि लोग जो है उसे उन्हें बहुत डिफिकल्टी हो वोट देने में तो कई लोग क्या हो मुकर जाए ना दें तो इस तरह की चीज़ें जो है वो की जा रही थी. इसके साथ साथ शुड बी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबो एज एग्जाम्पल ऑफ द
people electing their ruler. Reading this example, we get a sense that we cannot, there are many problems here. In China, the election do not offer the people any series of choice. They have to choose the ruling party and the candidate approved by it. Can we call this a choice? मतलब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जो इलेक्शन है वो कंसिडर लिया इलेक्ट किया, मतलब जो इलेक्शन किया जा रहा है, जो रूल जो भी रूलर बन रहे हैं क्या वो पीपल उन्हें चूज़ कर रहे हैं? नहीं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बताया गया जो भी चीज़ें प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये उन पर थोपा जा रहा है कि आपको इन्हें ही चूज़ करना है और उन्हें बनाना है। तो इस तरह की जो रूलिंग पार्टी है या जिस तरह से कैंडिडेट का अप्रूवल लिया जा रहा है, क्या इसे हम चॉइस कहेंगे? नहीं, हम इसे चॉइस नहीं कह सकते। In the Mexican example, people seem to really have a choice, but a practice they had no choice. जिस तरह की वहाँ पे रूलिंग हो रही थी उस तरह से लग रहा था कि उनके पास चॉइस है, पर जब वो प्रैक्टिस में देखा गया तो ये क्या है, एक्चुअली में ये कोई चॉइस नहीं है। There was no way the ruling party could be defeated even if the people were against it. These are not fair election. We can thus add a second feature to our understanding of the democracy. Holding an election of any kind is not a real choice between a political alternative, and it should be a possible for people to use this choice to remove the existing ruler if with wish so. So a democracy must be based on a free and a fair election where those currently in power have a fair chance of a losing. We shall find out more about a democratic election in chapter 4. अब देखिए यहाँ पे उसी डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है कि डेमोक्रेसी जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन है। मतलब यहाँ पे आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी पावर को चूज़ करने के लिए, और इसी तरह का जो फेयर चांस है लूज़ का या गेन का, ये यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह का जो डेमोक्रेसी है ये एक्चुअल में फेयर डेमोक्रेसी है, ना कि वो जो जिस तरह से की जा रही है। अब हम देखेंगे वन पर्सन वन वोट एंड द वन वैल्यू। सो नाउ इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। दिस प्रिंसिपल हैज केम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, येट देर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ द इक्वल राइट टू वोट। अब देखिए ये जो जो आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा कि डेमोक्रेसी के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया गया, इसके साथ साथ जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है उन्होंने ये राइट भी दिया है कि जो अडल्ट पर्सन है वो अपना वोट दे सकते हैं इंडिपेंडेंटली किसी को भी, मतलब उनको ये फ्रीडम है। तो इस चीज़ के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिनायल किया गया है कि इक्वल राइट ना दिया जाए वोट के लिए, क्योंकि क्या हो रहा था पहले, कोई बहुत रिच है बहुत पुअर है तो नहीं मिलेगा, रिच है तो उसे मिलेगा, कहीं उसकी प्रॉपर्टी है तो उसे वोट देने का है। तो इस तरह की जो है ये अनइक्वल चीज़ें हो रही थी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी। अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। Estonia has made in the citizenship rules in such a way that the people belonging to a Russian minority find it difficult to get the right to vote. अब देखिए जो 2050 की बात करें तो सऊदी अरेबिया थे के जो वुमेंस थी इन सब को क्या था, राइट टू वोट का हक था। इसके साथ साथ जो और भी सिटीजनशिप थी उनको जो है ये बिलोंगिंग जो रशियन माइनॉरिटी है इनके लिए भी ये राइट टू वोट जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था इस चीज़ को पाना। अगर हम फीजी की बात करें, जो इलेक्टोरल सिस्टम था जैसे कि वोट के लिए जो इंडिजिनियस फीजी थी या हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फीजियन, तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रॉब्लमेटिक बढ़ती जा रही थी। तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी। सो डेमोक्रेसी जो थी वो बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड ऑन थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड थी। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, और ये जो है हमें थर्ड फीचर देती थी डेमोक्रेसी का, वो क्या है, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। अब इसमें थर्ड जो फीचर था वो क्या बताता था कि हर जो डेमोक्रेसी है वो हर एक सिटीजन को एक वोट का हक देती है और हर एक वोट की वैल्यू जो है एक होगी। अब चलिए देखते हैं रूल ऑफ लॉ एंड द रिस्पेक्ट फॉर राइट। Zimbabwe attained independence from a white minority rule in 1980. Since then, the country has been ruled by a ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. Its leader, Robert Mugabe, ruled the country since the independence. Elections were held regularly and always won by the ZANU-PF. The President Mugabe was popular but also used an unfair practice in the elections. Over the years, his government changed the constitution several times and increased the power of the president and make him
less accountable opposition party worker were the harassed and their meeting disrupted. Public protest and the demonstration against the government were declared illegal. There were a law that limited the right of the criticize of the president. The television and the radio were controlled by the government and gave only the ruling party of the party's version. There were an independent newspaper, but the government harassed those journalists who went against it, and the government ignored some court judgment and went against it. The pressurized judges, he was forced out of the office in 2011. अब देखिए यहाँ पे जो जिम्बाब्वे है उसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था जो कि वाइट माइनॉरिटी रूल के अकॉर्डिंग 1918 में था, क्योंकि कंट्री जो है वो जैनू पीएफ की पार्टी से लीड की जा रही थी जिसमें जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में देखा था, और उसकी जो मेन लीडर थे उनका नाम था क्या, रॉबर्ट मुगाबे. इन्होंने कंट्री को रूल किया था जब से इंडिपेंडेंस हुई थी. इसके साथ साथ इलेक्शंस भी जो है रेगुलर बेसिस पे हो रहे थे, उसमें भी वो हमेशा से जीतते आ रहे थे. तो जो प्रेसिडेंट मुगाबे थे वो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन उनकी अनफेयर प्रैक्टिस थी किस चीज़ को लेकर, इलेक्शंस को लेकर. तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों का एक टाइम के बाद क्या होने लगा, प्रोटेस्ट होने लगा. पब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन किए, मतलब कई सारे ऐसे एक्ट किए जिससे ये पता चले कि ये गलत हो रहा है. इसके साथ प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ भी किया, टेलीविजन रेडियो कंट्रोल, गवर्नमेंट जो भी है ये सारी चीज़ों पे करने की कोशिश की, पर ये सारी चीज़ें क्या है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी. तो ये सारी चीज़ों को बेसिकली वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर पाए. जो भी जर्नलिस्ट थे सारी चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हरास किया गया अगेंस्ट द जजमेंट. The example of the Zimbabwe shows that the popular approval of the ruler is necessary in the democracy. अब देखिए जो Zimbabwe का जो approval था, मतलब ये देख के हमें समझ में आ रहा है कि जो वहाँ के ruler थे उनका जो approval है वो बहुत ज़्यादा necessary था in a democracy, लेकिन ये sufficient नहीं था. Popular government can be अनडेमोक्रेटिक. पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती है वो कई बार हो सकती है कि वो अनडेमोक्रेटिक है. पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक. पॉपुलर लीडर्स भी हो सकते हैं कई बार अपनी ही सत्ता चलाने के वादी हो, मतलब वो अपने हिसाब से चीज़ें करते हो. इफ़ वी विश टू असेस द डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस. अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस पे देना, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन. लेकिन ये भी इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि उसके आगे और पीछे जो है, यानी इलेक्शन के पहले और बाद में भी उसका ध्यान दिया जाए. देर शुड बी अ सफिशियंट रूम ऑफ अ नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी. और ये जो है इसके साथ साथ जो सफिशियंट रूम, मतलब एक रूम जो है वो सफिशियंट रूम होना बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन. This requires that the state should respect some basic right of the citizen and they should be free to think, to have opinions, to express this in a public, to form an association, to protest and take other political actions. Everyone should be equal in the eyes of law and this right must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by the everyone. And we shall read more about this in right in chapter 6. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है इस तरह का जो माहौल वहाँ पे चल रहा था, इससे ज़्यादा जो है कि डेमोक्रेसी को अगर वो अपनी हिसाब से लेना चाहे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्शंस का सही तरह से इक्वली होना. यानी क्या है, लोग अगर जो भी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो सभी सिटीजन्स को जो है वो इक्वल राइट दे ताकि वो खुद आगे होकर अपने हिसाब से जो है वोट दे सके. और ये सारी चीज़ों का ध्यान जो जुडिशरी सिस्टम को रखना चाहिए कि सभी लोग जो है उनकी बात माने. यानी कोर्ट ने अगर कोई लॉ पास किया है, कोई कानून बनाया है, तो उसको जो है हर कोई माने, ना कि उसका विरोध करें. सिमिलरली देर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई द वे ऑफ गवर्नमेंट इज़ रन आफ्टर द इलेक्शन. और इसके साथ साथ जो है कुछ कंडीशंस भी जो है अप्लाई होती है कि गवर्नमेंट किस तरह से रन की जाएगी इलेक्शन के बाद. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू अ वॉट एवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज़ अ वन एन इलेक्शन. और जो भी गवर्नमेंट है वो अपनी मनचाहा हिसाब किताब से जो है वो सरकार नहीं चला सकती, कानून नहीं ला सकती, क्योंकि वो जीत गई है सिर्फ इसलिए, बल्कि उसे जो है एक पर्टिकुलर प्रोसीजर जो है फॉलो करना होगा, एक अच्छे ढंग से जो है गवर्नमेंट को चलाना होगा. इन अ पर्टिकुलर इट हैज़ अ रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटी. एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू द सीरीज ऑफ अ कंसल्टेशन. एवरी ऑफिस बेरर हैज़ अ सर्टेन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. Each of these is accountable not only to the people but also the other independent official. We shall read more about this in chapter 5.
बोथ दिस एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड द फाइनल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी. एंड चलिए देखते हैं वो फोर्थ और जो फाइनल फीचर है डेमोक्रेसी का वो क्या है. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट. अब मतलब ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसे अपना राज जो है इस हिसाब से ही चलाना है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक अधिकार है उसके हिसाब से रहते हुए और नागरिकता के अधिकार के हिसाब से भी, मतलब वो अपनी मनचाही तरह से सरकार नहीं चला सकती है. समरी डेफिनेशन. Let us sum up the discussion so far. We started with a simple definition that the democracy is a form of government in which the ruler are elected by the people. अब हम जो summary करेंगे सारी definitions की, तो जो पहला definition हमने पढ़ा था वो क्या था कि democracy जो है वो, यानी लोकतंत्रवाद जो है वो क्या है, government का एक part है जो कि जहाँ पे rulers जो हैं, यानी जो भी नेता हम दिखते हैं वहाँ पे, वो peoples यानी लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं. We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key of words used in it. Through the series of example, we worked out four features of a democracy as form the government. Accordingly, the democracy is a form of government in which. अब देखिए ये जो हमने पढ़ा है इसे हम जो है सीधी साधी भाषा में इसे नहीं समझा सकते जब तक कि कोई इसके की फीचर ना हो या जब तक हम उसे एक्सप्लेन ना करें. तो यहाँ पे जो है बताया गया अकॉर्डिंगली फोर, जैसे कि जो फोर फीचर हमने पढ़े उसके हिसाब से यहाँ पे जो फोर पॉइंट्स है वो डिस्कस किए गए. चलिए देखते हैं क्या है. रूलर सिलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, यानी जो भी जो रूलर है जो कि इलेक्ट किए गए हैं बाय द पीपल वो सारे मेजर डिसीजन लेने के लिए क्या है, कैपेबल हैं. इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स. अब जो इलेक्शंस है वो ऑफर करती है ये चॉइस लोगों को, ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो जो जो करंट रूलर हैं उन्हें चेंज कर सके. एंड दिस चॉइस एंड द अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस. और ये चॉइस अपॉर्चुनिटी जो है ये लोगों के पास इक्वल बेसिस पे सभी के पास है. द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजन राइट. और ये जो है चॉइस जो है ये एक्सरसाइज करती है सही गवर्नमेंट की तरफ जो कि रूल्स के हिसाब से सिटीजन्स के राइट के हिसाब से जो चीज़ों को आगे लेके जाती है, यानी सही तरह से रखती है. Now we see why democracy. An argument broke out in a Madam Lingdon's class. She had finished the teaching the previous section, the what is a democracy, and asked the student if they thought democracy was the best form of the government. Everyone had something to say. अब देखिए यहाँ पे जो है वाई डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है. तो जो मैडम लिंगडॉन थी उन्होंने अपनी क्लास में जो है क्या किया था, एक आर्ग्यूमेंट ब्रोक किया था जिसमें लोगों का ओपिनियन जाना था कि वो किस तरह से डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं कि डेमोक्रेसी क्या सही है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, क्या ये बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का. तो उसमें कई सारे लोगों ने कई सारी बातें कही थी. अब वापस से जो है हम एक और डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे. डिबेट का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के फ़ायदे क्या क्या हैं, अब इस बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. सो योर लैंड, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. वी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वॉन्ट अ डेमोक्रेसी. कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर बिकमिंग अ डेमोक्रेटिक नाउ. अब देखिए बेसिकली ये जो आपने यहाँ पे देखा है इसमें ये जो स्टोरी है यहाँ पे बताया गया है कि अब जो है बेसिकली स्टोरी में हमें ये जानना है कि डेमोक्रेसी के क्या क्या अच्छे फ़ायदे हैं. तो यहाँ पे जो है योलैंड ने जो है कई सारी चीज़ें बात की हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो काफ़ी अच्छी है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा. और जैसे कि और भी कंट्रीज़ जो हैं वो पहले डेमोक्रेटिक नहीं थी पर अब डेमोक्रेटिक बन रही हैं. कई सारे पीपल जो हैं वो नाइस थिंग्स यानी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं. तो ये ऑब्वियस है कि डेमोक्रेसी जो है ये ठीक है, मतलब ये ठीक है, ये हम मान सकते हैं. सो डू वी नीड टू डिबेट दिस, तो क्या हमें ज़रूरत है इस पर डिबेट करने की. तो अब देखिए दूसरा पर्सन क्या कह रहा है, तांकिनी, बट द लिंगडो मैडम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, जस्ट बिकॉज एवरी वन एल्स एक्सेप्ट इट, एंड इज इट इट पॉसिबल टू एवरी वन फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ. अब जो है एक और दूसरी पर्सन यानी दूसरी स्टूडेंट वो कह रही है कि मैडम लिंगडोन ने कहा है कि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है इसलिए हम एक्सेप्ट कर लें, ये गलत है. हो सकता है कि सभी लोगों ने जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया है वो लोग एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो हमारे लिए उस चीज़ को जानना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जेनी ने क्या कहा, येस इट इज़ एक्चुअली इज़ अ रॉन्ग पाथ. वॉट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आर कंट्री, मोर देन हाफ अ सेंचुरी ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड देयर इज़ अ सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री. अब उस पर जो जेनी है वो कह रही है कि हाँ ये तो सही बात है कि ये गलत बात है. क्यों, क्योंकि जब से डेमोक्रेसी आया है तब से हमारी कंट्री में हुआ ही है क्या, क्योंकि अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो उसमें से आधी से ज़्यादा कंट्री जो है वो मतलब
हाफ सेंचुरी जो है डेमोक्रेसी में निकल गई, और फिर भी अभी तक जो है क्या है, पॉवर्टी जैसी की वैसी ही है, यानी गरीबी अभी भी वहाँ पे वैसी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। नाउ हम देखेंगे रिबियांग, बट व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? डू वी हैव अ पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, और डू वी हैव अ पॉवर्टी डिस्पाइट बींग ए डेमोक्रेसी? देन जेनी सेज, The whatever, how does it make a difference? The point is that can't be the best form of the government. Democracy is all about the chaos, instability, corruption and the hypocrisy. Politicians fight among themselves. Who cares for the country? अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बेस्ट फॉर्म हो गवर्नमेंट चलाने का, क्योंकि डेमोक्रेसीज जो है इसमें स्टेबिलिटी भी है, इनस्टेबिलिटी ज़्यादा है, करप्शन है, हिपोक्रेसी है, कई सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, और कई सारे जो हैं जो केयर कर रहे हैं कंट्री की, जो कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं, लोग उसके खिलाफ भी खड़े हैं, तो हम कहाँ से कह सकते हैं कि ये सही है? तो अपॉइंटमेंट का कहना है, सो वॉट शुड बी हैव इंस्टेंट, गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, इन्वाइट सम किंग्स टू रूल द कंट्री। तो अब पॉमन का कहना है कि क्या करें, अब तो क्या ब्रिटिश रूल को बुलाएं, दोबारा किसी किंग को बोलें कि हमारी कंट्री पे रूल करे और अपना राज चलाए? तो रोज़ का कहना है, आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर, समवन हु डज नॉट हैव अ बॉदर अबाउट द इलेक्शन एंड द पार्लियामेंट। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर एंड ही शुड बी एबल टू डू वॉट एवर ही नीडेड इन द कंट्रीज इंटरेस्ट, एंड दैट अलोन कैन रिमूव द करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री। अब रोज़ का कहना है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मेरे हिसाब से तो बस एक कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आना चाहिए जिसके पास सारे पावर हो, और जो कंट्री के हित के लिए जो है इंटरेस्ट से उसमें काम करे, और जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो उसे पूरा करे। तो इस तरह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है वो डिस्कशन किया गया है। नाउ वी सी द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जो आर्ग्यूमेंट हुआ है उसमें क्या चीज़ें थी वो अब चलिए हम देखते हैं मेन यहाँ पे। दिस कॉन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लेट अस गो ओवर सम ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो बोला गया, इस कॉन्वर्सेशन में हमने वही सारी चीज़ें सुनी है जो वैसी आर्ग्यूमेंट सुने हैं जो कि हम रूटीन में सुनते आते हैं डेमोक्रेसी के लिए। तो अब चलिए देखते हैं क्या थे वो सारे पॉइंट्स। लीडर कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू द इंस्टेबिलिटी, यानी लीडर जो है इसमें कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, और ये वजह जो है काफ़ी बड़ी है इंस्टेबिलिटी के लिए, यानी इंस्टेबिलिटी जो है इसे बहुत बढ़ा रही है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड द पावर प्ले, देर इज़ अ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। अब जो डेमोक्रेसी है ये जो है पूरी तरह से क्या है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है जो कि पावर प्ले में है, और यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है किस चीज़ का, मोरालिटी का। अब हम देखेंगे आगे, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड द पावर प्ले, देर इज़ अ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मतलब डेमोक्रेसी जो है ये पूरी तरह से क्या है, एक पावर प्ले है, मतलब शक्ति का अपना होना, शक्ति का कंपटीशन जो है, मतलब हमारी उनकी अपनी पावर का, यहाँ पे मोरालिटी के लिए कोई जगह नहीं है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू अ डिले। अब कई सारी चीज़ें जो है डेमोक्रेसी होने के बाद लोगों ने कंसल्ट किए कि ये चीज़ें ऐसी हो या वैसी हो, उसमें भी क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू अ बैड डिसीजन। अब जो इलेक्टेड लीडर आते भी हैं वो भी जो है लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट को नहीं जानते, और इस चक्कर में क्या होता है, बैड डिसीजंस ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू द करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन अ इलेक्ट्रॉल कॉम्पिटिशन। अब डेमोक्रेसी जो है ये करप्शन में आ रही है, और ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉल बेस्ड है कॉम्पिटिशन का। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो वॉट इज़ गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि क्या उनके लिए सही है, तो ये जो चीज़ है ये उन्हें डिसाइड नहीं करना चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है, कुछ लोगों को कम ज्ञान है अगर इस बात का कि हाँ क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है, और उस चक्कर में थोड़ी सी किसी चीज़ के लिए हम, जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कितनी तरह से लोगों को लुभाया जाता है कि हाँ पे कर दो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो आप एक वोट दे दो, ये दे दो, तो वहाँ पर उन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके एक वोट की वजह से क्या क्या बिगड़ सकता है। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि करंट सिचुएशन उनकी ऐसी है कि उनको खाने की ज़रूरत है और उन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो वो उस हिसाब से वो वोट जो है ले जाके किसी को दे देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो लोकतंत्रवाद है कहीं ना कहीं ये इस तरह से अभिशाप भी है, मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है कि जिसे नहीं पता है कि उसकी डिसीजन का क्या होना है, वैसे लोगों को बेसिकली कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए।
Are there some of the other arguments against the democracy that you can think of? Which of these arguments applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of the government? Which of these do you agree with? Clearly, the democracy is not a magical solution for all the problems. It has not ended poverty in our country and the other parts of the world. Democracy as a form of government only ensures that the people take their own decision, and this does not guarantee that their decision will be good. अब क्लियरली यहाँ पे बोला गया है कि जो डेमोक्रेसी पे हम इतना सारा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो है उसका मिसयूज़ भी किया जा रहा है गवर्नमेंट के ही द्वारा. और इस बात से क्या आप अग्री करते हैं? क्लियरली डेमोक्रेसी जो है ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का, ना ही इसने अभी तक जो है किसी तरह की कोई गरीबी को ख़त्म कर दिया है पूरी कंट्री से, किसी मतलब वर्ल्ड की और भी कंट्रीज से. ये सिर्फ इंश्योर करता है कि पीपल जो है वो अपना डिसीजन खुद लें. दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर इट्स डिसीजन विल बी गुड. और ये जो है ये गारंटी नहीं कर रहा है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सही ही लिया गया हो. पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग जो है वो गलतियाँ कर सकते हैं. इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डस लीड टू अ डिले इन द डिसीजन ऑफ मेकिंग. अब ये जो है इस तरह से जो डिसीजन लिया भी जा रहा है, ये हो सकता है डिसीजन डिले कर रहा हो बनाने में. इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू अ फ्रीक्वेंट चेंज इन द लीडरशिप. और इसके साथ साथ क्या जो डेमोक्रेसी है, फ्रीक्वेंट चेंज जो है लीडरशिप में वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी. समटाइम्स दिस कैन सेट बैक अ बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी. और कई बार क्या हो सकता है कि ये बिग डिसीजन जो है अफेक्ट कर सकता है गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को. दिस आर्ग्यूमेंट शो दैट द डेमोक्रेसी ऑफ दैट काइंड वी सी मे नॉट बी एबल टू आइडल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. अब जिस तरह का ये आर्ग्यूमेंट दिख रहा है और शो हो रहा है, इस तरह से हम ये सोच सकते हैं या ये देख सकते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट को चलाने का ये आइडल फॉर्म ना हो. बट दैट इज़ नॉट क्वेश्चन वी फेस इन द रियल लाइफ. लेकिन ये एक क्वेश्चन नहीं है जो हम फेस कर रहे हैं रियल लाइफ में. द रियल क्वेश्चन इज़ डिफरेंट. दैट इज़ कि डेमोक्रेसी क्या एक गवर्नमेंट चलाने के लिए बेहतर फॉर्म है, या क्या ये एक सही रास्ता है जिसे हमें चूज़ करना चाहिए. ये क्वेश्चन जो है ये रेज हो रहा है. आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी. China's famine of 1958 or 1961 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in the famine. अब देखिए famine की बात की गई है जो कि 1958 से 1961 तक चला था China का. ये बहुत ही worst recorded famine था पूरे world में. और यहाँ पे करीबन 3 करोड़ लोग जो हैं famine से मारे गए थे. During these days, India's economic condition was not much better than the China. और अगर हम अभी की बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है चाइना से. लेकिन फिर भी जो इंडिया है ये अभी तक ऐसी फैमिन की कंडीशन जैसी जो चाइना में हुई थी वो वैसी कोई कंडीशन यहाँ आई नहीं है. इकोनॉमिस्ट थिंक दैट देर वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज. और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है कि ये जो है अलग अलग की दो पॉलिसीज होने की वजह से कंट्री में ऐसा है. द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द फूड स्कैरसिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट. अब यहाँ पे बात करें जो एग्जिस्टेंस है डेमोक्रेसी का इंडिया में, वो इंडियन गवर्नमेंट का जो है फूड की तरफ मतलब जिस तरह का उनका वो है कि स्कैसिटी है, जैसे कि चाइना में बहुत कमी है, लेकिन यहाँ पे क्या है उस पर ध्यान दिया जा रहा है पर चाइना में नहीं दिया जा रहा है. दे पॉइंट आउट दैट द लार्ज स्केल ऑफ फैमिन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन द इंडिपेंडेंट एंड द डेमोक्रेटिक कंट्री. इफ चाइना टू हैड द मल्टी पार्टी इलेक्शन एंड द अपोजिशन पार्टी प्रेस फ्री क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट देन सो मेनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फैमिन. अगर चाइना में भी ऐसा होता कि दो ऐसे अपोजिशन और लीडर टाइप की पार्टी होती कि वहाँ पर दो पार्टी चल रही हैं, तो ऐसी जो कंडीशन वहाँ पर आई ये ना आई होती. The example brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of the government. और ये सारे कुछ reasons जो हैं ये उठ के आते हैं कि democracy जो है ये consider की जाती है best form of the government. Democracy is better than any other form of the government in responding to the needs of the people. और democracy जो है ये बहुत ही बेहतर सरकार चलाने का तरीका है अगर हम बात करें पीपल के नीड्स की तो. और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड. जो नॉन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पीपल के नीड के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, बल्कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज ऑफ द पीपल हु रूल. बल्कि ये जो है उन पे डिपेंड करेगा जो रूल कर रहे हैं. इफ़ द रूलर डोंट वॉन्ट टू डू तो वो चीज़ें नहीं होगी, इफ़ दे वॉन्ट टू डू तो वो चीज़ें होंगी. तो इस तरह की गवर्नमेंट का जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान बहुत ज़्यादा है. A democratic government is a better government because it is a more accountable form of the government. अब जो democratic government है ये बहुत ही बेहतर government है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा accountable form है government का.
There is another reason why democracy should lead to the better decision than any non-democratic government. अब इसके जो अदर रीजंस भी हैं कि डेमोक्रेटिक जो है वो ज़्यादा बेहतर क्यों है नॉन डेमोक्रेटिक के कंपैरिजन में. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ मेनी पर्सन्स डिस्कशंस एंड द मीटिंग व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड दे आर एबल टू पॉइंट आउट द पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन. दिस टेक्स टाइम्स बट देर इज़ अ बिग एडवांटेज इन द टेकिंग टाइम ओवर अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन. दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द रैश और द इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन. Thus, the democracy improves the quality and the decision making. अब देखिए ये जो कहीं ना कहीं जो democracy है इसका अपना बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो democracy है ये improve कर रही है quality किस चीज़ की, decision making की. This is related to the third argument. The democracy provide a method to deal with the difference and the conflicts. अब देखिए जो थर्ड फीचर था वो क्या था, डेमोक्रेसी जो है ये प्रोवाइड करती है एक मेथड जिससे आप डील कर सकते हैं डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट, जो भी परेशानी या प्रॉब्लम आपको हो रही है उनसे डील करने की. इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव अ डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन एंड द इंटरेस्ट. और कई तरह की जो सोसाइटी है वो बाउंड है इन डिफरेंसेस पे, ओपिनियंस पे और इंटरेस्ट पे. दिस डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन द कंट्री लाइक आर्स विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी. अब जो कई सारे डिफरेंसेस है पर्टिकुलरली शार्प कंट्री की अगर हम बात करें तो और भी कंट्रीज़ में है जिसपे वो कई सारे तरह की सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी पीपल्स के रीजन्स में, रिलीजन्स में, स्पीकिंग लैंग्वेज में, किसी तरह के रिलीजन जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें. फिर भी दे लुक अ वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैड अ डिफरेंट प्रेफरेंसेज. और ये जो है वर्ल्ड को बहुत अलग तरह से देखते हैं और उनके अलग अलग प्रेफरेंसेज होते हैं. द प्रेफरेंसेज ऑफ अ वन ग्रुप क्लैश विद द अदर ग्रुप एंड हाउ डू वी रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट. और एक जो है वो अदर ओपिनियन रखता है और अदर दूसरा अदर रखता है, तो इस तरह से क्या है कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है और इसे हम सॉल्व कैसे करें. Whichever group is more powerful will dictate its term and the other will have the accept that, but that would lead to the resentment and the unhappiness. Different group may not be able to live together for long in such a way. The democracy provides the only peaceful solution to this problem. In democracy, no one is a permanent winner, no one is a permanent loser. अगर हम democracy की बात करें तो इसमें जो है कोई भी एक permanent loser नहीं है, ना ही कोई एक permanent winner है. डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद द वन अनदर पीसफुली. और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के बिना अच्छे से जी सकते हैं. इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप द कंट्री टुगेदर. अगर हम डाइवर्स कंट्री की बात करें इंडिया की, तो वहाँ पे जो है जैसे कि कंट्री जो है वो एक साथ खड़ी है. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इंडिया की यहाँ पे एकता के बारे में बात की कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी क्या है इंडिया एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर खड़ा है लेकिन एक साथ. These three arguments were about the effect of the democracy on the quality of government and the social life. अब ये जो three argument हैं ये effect कर रहे हैं democracy को कि किस तरह की government जो है वहाँ पर चल रही है और किस तरह का social life है. But the strongest argument for the democracy is not about what democracy does to the government, but it is about what the democracy does to the citizen. Even if the democracy does not bring about the better decision, the accountable government, it is still better than the other forms of the government. अब जो देखिए डेमोक्रेसी के बारे में आप बताया गया है कि ये जो तीन आर्ग्यूमेंट हैं ये डेमोक्रेसी को अफेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये इनकी क्वालिटी बता रहे हैं गवर्नमेंट की सोशल लाइफ की कि किस तरह से चल रही है. जो स्ट्रांगेस्ट आर्ग्यूमेंट था वो डेमोक्रेसी का, वो इसके ऊपर नहीं था कि गवर्नमेंट किस तरह से चलनी है कैसे चलनी है, ये अबाउट मेन था कि सिटीजन्स के ऊपर था कि सिटीजन्स जो हैं जो डिसीजन ले रहे हैं वो अकाउंटेबल फॉर्म गवर्नमेंट का लें. मतलब ऐसा ना हो कि अनरीजनेबली किसी को भी को एक वोट दे दिया जाए और वो जीत जाए. आपको सारी चीज़ें सोच समझ के एक बेहतर तरीके से करनी है. डेमोक्रेसी जो है ये डिग्निटी जो है सिटीजन्स की ये बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं उन्हें ये हक मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी क्या हो रही है बढ़ रही है. एज वी डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी. और जैसा कि हमने देखा है कि जैसे हमने डिस्कस किया है कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ड है किस चीज़ पे, प्रिंसिपल पे पॉलिटिकल इक्वालिटी की. ऑन रिकग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस. द जो ये यहाँ पे ये रिकगनाइज करवा रही है कि जो पुअर है या रिच है या बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वाला है या कम प्रॉपर्टी वाला है, ये सब क्या है इक्वल हैं और इन्हें जो है इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी वोट की, यहाँ पे उसे बताया गया है.
Finally, democracy is better than the other form of the government because it allows us to correct its own mistake. As we saw above, there is no guarantee that the mistake cannot be made in a democracy. No form of the government can guarantee that. The advantage in a democracy is that such a mistake cannot be hidden for long. There is no space for a public discussion on the mistakes, and there is a room for a correction. Either the rulers have to change their decision or their ruler can change. They cannot happen to a non-democratic government. अब देखिए यहाँ पे क्या है जो फाइनली एक जो बताई गई है जो फीचर के बारे में वो क्या है. Democracy is better than the other form of the government because it allows us to correct its own mistake. क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं हमें एक हक देती है. अगर मान के चलिए हमने किसी गवर्नमेंट को चूज़ किया है और वो गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया, या वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों को, हमारी हक को जो है वो गलत तरीके से यूज़ कर रही है, या हमें बेसिकली हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रही है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, या हमारी करियर बेस पे किसी तरह की भी चीज़ पर जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. तो बेसिकली क्या है, ये जो डेमोक्रेसी है कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रही है हमारी अपनी गलती सुधारने. मतलब हम अगली बार जो है हम कोई दूसरी अच्छी सरकार को चुनेंगे जो हमारे लिए कुछ करेगी. तो ये जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है एक गवर्नमेंट को बदलने में दूसरी गवर्नमेंट से और अपनी ही गलती को सुधारने में. लेट अस सम इट अप. आप चलिए देखते हैं आगे. डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरी थिंग एंड इट इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स. डेमोक्रेसी जो है ये हमें सब कुछ ला के नहीं दे सकती है और ना ही ये एक पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन क्लियरली कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है दूसरी सारी चीज़ों से देखा जाए तो. क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें बेटर चांसेस देता है अच्छे डिसीजन लेने का, एंड वी लाइकली टू रिस्पेक्ट द पीपल्स ओन विशेज कि वो किस तरह की चीज़ें चाहते हैं और क्या कहते हैं पीपल को एक साथ रखने के लिए. Even when the fails to do the same thing, it allows us the way of correcting a mistake. मतलब जो लोग कहीं कहीं गलत भी कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्प कर रही है सारे लोगों को मिलकर जो है अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने की विद अ गुड डिग्निटी टू द ऑल सिटीजन. अब चलिए हम देखेंगे आगे द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड द डिस्क्रिप्टिव सेंस. We have understood the democracy as a form of government, and this way of defining the democracy helps us to identify a clear set of a minimal feature that democracy must have. The most common form that the democracy takes in our time of that representative of a democracy. You have already read about this in the previous classes. In the countries we call the democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take a decision on behalf of all the people. Even the majority does not rule directly. The majority of rule people rule. They are elected representative. They become unnecessary because the modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. Even if they could, the citizen have not the time and the desire to the skills of the take part in all the decision. अब मॉडर्न मीनिंग जो है डेमोक्रेसी का देखिए क्या है. ये जो है ये बहुत ही कॉमन फॉर्म अगर हम बात करें डेमोक्रेसी का, तो टाइम टाइम क्या है इसके रिप्रेजेंटेटिव जो है ये चेंज होते जा रहे हैं. इसके साथ साथ इसमें हर क्लास के लोग हैं जो अलग अलग तरह से अपने डिसीजन को बता सकते हैं कि कौन सा फैसला किसके लिए सही है किसके लिए नहीं है. ये जो है ये मॉडर्न फॉर्म है डेमोक्रेसी का जो कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जो है वो एग्जर्ट करता है एक चीज़ में. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि सबको फिजिकली एक साथ बिठाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कलेक्टिव डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है एक दूसरे के ओपिनियन जानने के बाद. इसके साथ साथ लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो एक एक के जो है जाए बैठे और सारी बातें करें, बल्कि कहीं ना कहीं जो है लोगों से सुन के समझ के उनकी प्रॉब्लम को ये उस चीज़ पे काम करें. दिस गिव्स अस अ क्लियर बट अ मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. और ये जो है बहुत ही क्लियर और जो है कम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है डेमोक्रेसी की. दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आर डेमोक्रेसीज फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेसीज. और यही जो है ये हमें हेल्प करते हैं डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बारे में. बट इट डज़ नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड द गुड डेमोक्रेसी. बट ये हमें ये अलाउ नहीं करता कि डेमोक्रेसी क्या अच्छी है और क्या गलत डेमोक्रेसी है इसके बारे में जानने में. क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें जो है इसके अंदर जो है ब्रॉडरली घुसना होगा, बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा. Sometimes we use democracy for the organization other than the government. और सब समटाइम्स जो है डेमोक्रेसी यानी जो लोकतंत्रवाद है हम ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं ना कि गवर्नमेंट के लिए. जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स बताए गए हैं, चलिए अब हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे.
We are a very democratic family, and whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's. अब देखिए, कई सा बोला गया है कि हमारी फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक फैमिली है, क्योंकि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो हम सब साथ में बैठते हैं, कई सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है ओपिनियन देते हैं. और ये जो ओपिनियन है सबका इक्वल होता है. जितना इनका एक फादर का ओपिनियन होता है इम्पॉर्टेंट, उतना ही एक बच्चे का भी ओपिनियन उतना ही इम्पॉर्टेंट माना गया है. I don't like teachers who do not allow the student to speak and ask question in the class. I would like to have a teachers with a democratic temperament. और मुझे ये नहीं पसंद कि कोई ऐसा टीचर हो जो स्टूडेंट्स को ये अलाउ ना करे कि आप क्लास में बात करो या क्वेश्चन करो, बल्कि मैं वैसे टीचर्स को अलाउ करूँगा जो डेमोक्रेटिक हैं, जो लोगों को ये हक देते हैं पूछने का, बात करने का और बोलने का, क्वेश्चन पूछने का. वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरी थिंग इन दिस पार्टी. हाउ कैन यू टॉक ऑफ द डेमोक्रेसी. एक लीडर जो है उसकी फैमिली ने डिसाइड कर लिया कि कैसा उन्हें होना चाहिए पार्टी में, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये डेमोक्रेसी है. चलिए देखते हैं अब आगे इसमें. दिस वेज ऑफ अ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स अ बेसिक सेंस ऑफ द मैथड ऑफ अ टेकिंग डिसीजन. अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स अ कंसल्टेशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट ऑफ डिसीजन. दोज हु आर नॉट पावरफुल एंड हैव द सेम say in a taking decision as those who are powerful. This can apply to the powerful government or a family or any other organization. Thus democracy is also principle that can be applied for any sphere of life. अब ये बताया गया है कि जो अगर हम अभी की बात करते हैं डेमोक्रेसी जो है वो पुराने सेंस की बात करें तो अभी में ये ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छा मेथड है लोगों के कंसेंट को जानने का, जो वो डिसीजन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, जिस तरह की चीज़ें वो करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों का. Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but set up an ideal standard that all the democracies must aim to become. अब हम अगर बात करें डेमोक्रेसी की, तो जो डेमोक्रेसी की हम बात करें वो डेमोक्रेसी कुछ ऐसा नहीं है कि हम वो पूरी सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करें या सेटअप करें गवर्नमेंट का कि कैसा क्या होना है, बल्कि हम एक आइडल फॉर्म डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है डेमोक्रेसी होनी चाहिए या किस तरह से उसे बननी चाहिए. True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. और सही मायने में जो लोकतंत्रवाद है वो तब होगा जब मतलब उस देश में सोने वाला हर नागरिक जो है वो भूखे पेट ना सोए बल्कि खाना खा के सोए, यानी सबको जो है इक्वली खाना मिल सके. In a democracy, even citizen must be able to play an equal role in the decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Even a citizen needs to have a equal information, basic education, equal voices and a lot of commitment. और हर सिटीज़न को जो है डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो उन्हें इक्वल रोल जो है वो प्ले करना है सारे डिसीजंस को लेके, सारी चीज़ों को लेके, जैसे कि वो राइट अगर इक्वल इक्वालिटी का हो या फिर वोट का हो या किसी इंफॉर्मेशन का हो, सारी चीज़ें सभी को जानने का हक है और एक सही डिसीजन लेने का हक है. इफ़ यू टेक दिस आइडल सीरियसली देन दो नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी. अगर ये सारी चीज़ों को हम सीरियसली लें तो किसी भी कंट्री को डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है. येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स वाई वी वैल्यू द डेमोक्रेसी. और ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि डेमोक्रेसी जो आइडियल है, ये यही हमें समझाने की कोशिश करता है कि क्या वैल्यू है डेमोक्रेसी की. इट एनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई द वीकनेस. और यही हमें जो है हेल्प करता है जज करने में कि किस तरह की डेमोक्रेसी हमें चाहिए और क्या वीकनेसेस हमने फाइंड आउट किए हैं. इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड द गुड डेमोक्रेसी. और ये हमें इसमें भी हेल्प करता है कि किस का डेमोक्रेसी जो है उसका लेवल क्या है, कम है या ज़्यादा है, अच्छा है या बुरा है. इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपांडेड नेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, बट आर फोकस हियर इज़ विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट द डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड द वेज ऑफ इवेल्यूटिंग एंड डेमोक्रेसी. एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट दैट द डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्पीयर्स ऑफ लाइफ एंड दैट इट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स. अब देखिए, जो अगले साल है आप पढ़ेंगे उसमें जो है डेमोक्रेसी और डिटेल में आप पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी किस तरह से लाइफ में इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं, किस तरह से वो हमारी लाइफ में जो है अप्लाई की जा रही है. There can be a various ways of taking a decision in the democratic manner as long as the basic principle of the consultation on an equal basis is accepted. The most common form of democracy in the today's world is the rule through the people's elected representative. अब यहाँ पर अगर तो अभी की बात करें तो अभी का जो consultation है, जो main common form है democracy का, यही है कि जो आज rule कर रहा है उसे people's ने ही elect किया है और उसने अपना representative बनाया है. We shall read about more in the chapter 4, but if the community is small, there can be other
ways to sit together and take a decision directly. This is how the Gram Sabha would work in a village. Can you think of some other democratic ways of a decision making? This also means that the no country is a perfect democracy. अब देखिए पूरे चैप्टर में यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है कि जो पूरी कंट्री है डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो सभी कंट्री जो है सही तरह से नहीं चल रही है. कई जगह पे कुछ कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, कई तरह की प्रॉब्लम जो है लोग फेस कर रहे हैं. अगर हम एक्चुअलिटी की बात करें कि किस तरह से डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, तो देखिए डेमोक्रेसी जो है ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट चलाने वाले की भी और वोट देने वाले की भी. अगर हमें यह हक मिला है डेमोक्रेसी का कि हम किसी को चूज़ करके अपनी सरकार में ला सकते हैं, तो हमें अपने डिसीजन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए कि हम जिसे चूज़ करने क्या वो सही मायने में उस वोट के लायक है या नहीं. अगर वो पर्सन सरकार में आता है तो क्या वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा या नहीं. अगर वो कर पा रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारा डिसीजन जो हमने लिया है वो सही है. लेकिन अगर ऐसा है कि हमने वो डिसीजन ले लिया है किसी भी लालच में या किसी और दूसरे कंसर्न के अकॉर्डिंग, और वो डिसीजन गलत साबित हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कई बार एक वोट की वजह से कई लोग जीत जाते हैं और एक वोट की वजह से कई बार एक सही इंसान हार जाता है, तो हमारा एक वोट जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है जिसके बारे में हमें सोच समझ के यूज़ करना है और उस डेमोक्रेसी को सही मायनों पे प्रूफ करना है. क्योंकि क्या होता है कई बार देखिए डेमोक्रेसी तो दी गई है लोगों को कि आप हमें चूज़ करके लाए, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाए. हमने किसी भी कंसर्न के चक्कर में अगर हो सकता है हमने सही तरीके से नहीं सोचा, लेकिन कोई दूसरे कंसर्न की वजह से हमने उसे चूज़ कर लिया और हमने उसे पार्टी में ले आए, हमने सरकार में ले आया और उसने कोई कई सारे गलत काम करना शुरू कर दिया. जो हमारी डिमांड थी, जो पब्लिक को चाहिए, वो चीज़ें नहीं कर रहा है, तो क्या है ये डिसीजन कहीं ना कहीं गलत है. लेकिन डेमोक्रेसी की वजह से ही हमें क्या है कहीं ना कहीं ये हक भी मिल रहा है कि ये जो गलती हमने कर दी है और उस चीज़ को भुगत रहे हैं, तो भुगतने के बाद एटलीस्ट ये तो है कि नेक्स्ट जब इलेक्शन होगा तब आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, इन गलतियों को आप ध्यान में रखेंगे. तो डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद भी है और कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमें उससे फेस भी करनी पड़ रही है. तो बेसिकली हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छे से पता हो कि उसे किस तरह से करनी है पूरी और किस तरह के डिसीजन उनके लिए सही रहेंगे, तो आपको ज़्यादा तक उम्मीद है डेमोक्रेसी की ज़रूरत ही ना पड़े. अगर कोई सरकार चुनी जा रही है, अगर उसे पता है कि उसे डेमोक्रेसी किस तरह से निभानी है, किस तरह से लोगों को इम्पोर्टेंस देनी है, क्या डिसीजन सही है क्या गलत है वो लेना है, तो हमें शायद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कभी फेस ही ना करनी पड़े. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है. इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी एनी टाइम एंड वील सी द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर द डे.